वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो आते हैं अपने इंट्रो पे, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिंक पिक नहीं कर सकते, तो वहां से हम पिक करते हैं। तो प्लीज वहां पे आप हमसे लिंक्स वगैरह शेयर कीजिए। बिल्कुल। तो आते हैं इंट्रो पे। मेरा नाम वजाहत है। मैं हूँ बशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 100% मेड इन इंडिया ऑटोमोबाइल्स पार्ट टू सून रिप्लेस चाइनीज वन। मतलब मेरे ख्याल में 100% जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो रिप्लेस करने लगे हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को। ऐसा मतलब ये कोई मंत्री है इंडिया के, जो इंडिया के प्रिंसिपल वो मतलब वो है मिनिस्टर है कोई, नितिन नाम है। इन्होंने ये बात बोली है कि मतलब इस तरह का काम करना भी चाहिए सर। और मतलब मेड इन इंडिया सारा प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स में करना भी चाहिए, फुल मेड इन इंडिया हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। तो पहले वीडियो देखते हैं, पहले वीडियो देखेंगे तब आइडिया होगा सही से। तो ब्राइट आइडियाज का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं वजह मतलब क्या मतलब अभी कहानी हुई है ना, क्योंकि अब ज्यादा आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं इंडिया। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, आपने अक्सर हर बार देखा होगा कि हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी काफी ज्यादा भड़क जाते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पर, क्योंकि वो हमेशा से चाइना पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हुए हैं कि लगभग 42% से भी ज्यादा के ऑटो कंपोनेंट्स को वो चाइना से इंपोर्ट करा देते हैं। फिर पिछले साल अप्रैल जुलाई में आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा टैरिफ्स, काफी सारे कस्टम ड्यूटीज लगा दिए गए थे इन सभी प्रोडक्ट्स पर, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इससे बढ़ावा मिले। उसके बावजूद भी अभी भी कई सारे ऐसे भी ऑटो कंपोनेंट्स हैं जो कि हम सीधे चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं इंडिया के भीतर, और इसमें से एक है अलॉय व्हील्स भी। अब यहाँ पर एक बताया गया है कि हमारे अलॉय व्हील्स की डिमांड काफी ज्यादा हाई है। बस 13 मिलियन व्हील्स ही हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन अब मैसिव ऑफ 22 मिलियन व्हील्स सीधा हम चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर दिल्ली बेस्ड कंपनी मिंडा इंडस्ट्री अपने अलॉय व्हील्स के बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए फाइनली आगे बढ़ चुकी है। अच्छा किया है। मिंडा इंडस्ट्री 250 करोड़ रुपीज के एक्सपेंशन प्लान से लाइटनिंग और अलॉय व्हील्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को अब यहाँ पर काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। और अब यहाँ पर मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड 90 करोड़ रुपीज की लागत से एक लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्थापित करने जा रही है एट भागापुरा इन गुजरात। और अब इस फैसिलिटी से जो भी देश की रिक्वायरमेंट थी लाइटिंग की, तो उसे पूरा करने की यहाँ पर एक कोशिश है। अच्छा। वैसे अब ये प्लांट बनना शुरू हो गया है, और आज से ठीक एक साल बाद यानी कि मार्च 2022 तक ये पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा, इसका कमेंसमेंट ऑपरेशन सब स्टार्ट हो जाएगा। वैसे इनके ऑलरेडी कई सारी फैसिलिटीज भी है, इनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है पूना में, चेन्नई में, मानेसर में, लेकिन अब यहाँ पर ये जो इनकी न्यू फैसिलिटी है तो इनके OEM से ये काफी ज्यादा क्लोज विसिनिटी में है, और डेफिनेटली इसके चलते इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी तेजी से घटेगी। वेल, अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए काफी बेहतरीन ढंग से बनाया जा रहा है। यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ मटेरियल्स आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर कई सारी रोबोटिक ऑटोमेशन का यूज किया जाएगा, अभी भी होता है लेकिन सिस्टम और भी कई तमाम चीजों, छोटा कंट्री तो नहीं है, ये लाइटिंग की जरूरत पड़ जाती है। इंडस्ट्री लिमिटेड की एक और सब्सिडियरी कंपनी है मिंडा कोसई एल्यूमिनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करते हैं 4-व्हीलर्स के लिए यूज होने वाले अलॉय व्हील्स। वैसे इसके लिए भी अब यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत प्यारा जा रहा है इन बवाल इन हरियाणा। और एक बार ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाए तो यहाँ पर हर महीने लगभग 60,000 व्हील्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर 167 करोड़ रुपीस की लागत से इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाया जाएगा, और ये भी ठीक एक साल बाद यानी कि मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन ये स्टेबलाइज होने में लगभग जून तक का समय फिर थोड़ा लग ही जाएगा। यहाँ पर UNO मिंडा की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर NK मिंडा जी कहते हैं कि अब इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की जो ऑटोमोटिव लाइटिंग इंडस्ट्री है तो वो काफी तेजी से एक मेजर टेक्नोलॉजी शिफ्ट को एक्सपीरियंस कर रही है। यहाँ पर LED बेस्ड लाइटिंग काफी ज्यादा एफिशिएंट बनते जा रहे हैं, और अब हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हम नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइटिंग टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करेंगे। और सिमिलरली अलॉय व्हील्स डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हमें चाइना पर निर्भर होना पड़ रहा है। सोचिए, इसी तरह अगर हम धीरे धीरे जो भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं तो उन्हें इंडिया के भीतर ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें, तो इससे डेफिनेटली हर मामले में, हर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के मामले में इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बन जाएगा। और फिर मजे की बात यह होगी कि जो कंपोनेंट्स को फिलहाल हम इंडिया के भीतर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उन्हीं कंपोनेंट्स को हम बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। और इससे डेफिनेटली जो नितिन गडकरी जी का टारगेट है कि आने वाले 5 सालों के भीतर इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो वो भी काफी तेजी से पूरा होगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मतलब नितिन गडकरी जी जो है, इसी से दो वीडियो खत्म।
ये नितिन गडकरी जी मेरे ख्याल में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के शायद मिनिस्टर, ये मैंने काफी इनका सुना है यार, काफी और यार हमेशा बहुत ज्यादा जोर दे रहे होते हैं। मैंने पहले भी इनको देखा कि काफी मतलब चाइना को कहते हैं कि बॉयकॉट चाइना, ये काफी मैंने इनके वो देखे आर्टिकल्स भी देखे और मतलब हर जगह काफी जगह पे इन्होंने काफी बार। अभी ये लोग अगर 13 मिलियन बना रहे हैं ठीक है अलॉय व्हील, तो 22 मिलियन चाइना से लेना पड़ रहा है। 22 मिलियन बहुत ज्यादा, मतलब अपने वाले से भी तकरीबन डबल डबल। तो इनको चाहिए कि मतलब अभी ये जिस तरह कह रहे थे कि हम लोगों ने अभी काफी ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह लगा दी हैं और उस पर मतलब लगा रहे हैं, मतलब लगा नहीं दी तो उस पर भी वर्क काफी इनका चल रहा है और काफी तेजी से इनका वर्क चल रहा है। अभी ये सिर्फ अलॉय व्हील्स नहीं है और भी बकाया कंपोनेंट्स हैं कि मतलब कि जो ले रहे हैं, बात इनकी ठीक है, जोर देना भी चाहिए क्योंकि जब ये जोर देंगे ना मुबशर तभी काम बनेगा, नहीं तो अब तू यहाँ पे हमारे यहाँ देख ले सारा असेंबली यहाँ पे टोटल असेंबली होती है एक एक, मैं कहता हूँ कि एक नट भी हमारा ना आता है बाहर से कंपनीज का, ये बिल्कुल खाली असेंबली होती है बाकी सारी चीजें तो यहीं से आती है बिल्कुल। और ये काफी एक अच्छी बात है कि इंडिया इस चीज में जोर दे रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने अगर कंपनी अंदर लगाई हुई है तो एक एक चीज यहाँ पे इधर बनाना पड़ेगी वरना नहीं। मतलब ये वाली मुझे बात सबसे ज्यादा इंडिया की इस बारे में अच्छी लगती है। और अब जब से यार पिछले साल से तो इंडिया काफी आत्मनिर्भर की तरफ जा रहा है फुली तौर पे लगभग बिल्कुल एक किस्म को फुल तौर पे मतलब आत्मनिर्भर। चाइना ने बड़ा गलत किया यार वैसे, एक टू बी ऑनेस्ट रह के बात करें बहुत गलत काम किया, मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने की बात की और इंडिया जैसे मतलब सोए शेर को जगा दिया। और दूसरी बात मुझे अजीब क्यों लगी है, मतलब उसको कोई फायदा भी नहीं मिला, फायदा उल्टा नुकसान, मतलब उल्टा वापस नुकसान करके मतलब पूरी दुनिया में बेइज्जत हो के वापस चला गया। और दूसरी बात अब अपना बॉयकॉट भी करा रहे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ बहुत बड़ा यार, मतलब इसमें देखा जाए तो इंडिया को फायदा ही फायदा हो गया। और मुबशर अब देख जिस तरह इंडिया में अभी आई थिंक सो इंजन भी बन रहे हैं हर एक चीज हर चीज ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत वो जाता है रह जाता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि क्योंकि यार जो थोड़ा रिकवरी स्टार्टिंग में तो लेंगे स्लोली स्लोली जिस वक्त अपनी वो चीज रिप्लेस कर देंगे तो फिर और भी इम्पोर्ट जो है वो इंडिया के कम हो जाएंगे एक्सपोर्ट ज्यादा बिल्कुल। जब इंडिया ने बोला है इन कंपनीज को भाई हम तुमको लैंड वगैरह सबको सस्ते में दे रहे हैं तो हर चीज तुम यहाँ हर चीज दो। सो गाइज आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप है कि गलत स्टेप है, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तैयार।